सब हरे, मतलब लाइक मैं कलरफुल कलरफुल सबने कलरफुल मैंने इसलिए मैंने ये सोचा मेहंदी का सीन है तो क्यों ना मतलब कलरफुल ताकि हम भी जरा कलरफुल लगे ना. देखो मैंने भी बहुत ब्राइट से जूते पहन लिए उसके साथ मैच कर. और हमारे साथ है मिस्का. हाय निधा, अस्सलाम वालेकुम. How are you? मिस्का जो है इन्होंने कहा कि मैं ब्लैक पहना हुआ है क्योंकि मैं कलर देने वाली हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ब्लैक हूँ. और हमेशा की तरह नादिया लेट आती है, हमने उनकी वो कुर्सी खाली रखी हुई है और फिर वो बहुत जल्दी जल्दी में मेकअप करती है और मुझे उसको जब कहना पड़ता है ना नादिया जल्दी करो जल्दी करो, तो मैं उसके स्टेटस पे देख रही थी, कोई नीचे लड़की ने लिखा था आपको निदा इतना शो पे जल्दी करो जल्दी कितना इंसल्ट कर. गुजरता गया तो बड़े बुजुर्ग पहले तो जरा हिचकिचाते थे कि नहीं नहीं भाई इतना डॉक्टर के पास फजूल अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, मियां के जरूरत नहीं है. लेकिन अब वो खुद ही आपको याद दिला रहे होते बेटा आपको कल डॉक्टर के पास जाना है, भूलना नहीं. और या तो खुद लेके जाती हैं या फिर आपको याद दिला रही होती है. तो जैसे जमाना बदला उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया और वो भी बदले. इसी तरह मुझे अच्छे से देखे जब पुराना जमाना था तो बच्चे का जो मॉन्टेसरी का एडमिशन था उसका इतना तस्वर नहीं था कि किसी बड़े स्कूल में उसको एडमिशन कराना है. कहते थे घर के पास जो भी करीब खुली हुई मॉन्टेसरी है उसमें डाल दो या फिर घर में ही पढ़ाओ और क्लास वन जो है ना वो प्रॉपर क्लास है उसमें डालना बच्चे को बहुत अच्छा. करते हैं नहीं 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 ना ऐसे नहीं होता ना. आज जल्दी आ गए हैं, ये आज जल्दी आई है, ये सबसे आखिर में आती है और सबसे आखिर में स्टार्ट होता है. तो वेरी गुड कि आप सब इकट्ठे आ चुके हैं. आज आज जो है इन तीनों से मैं पूछ चुकी हूँ कि जो सिग्नेचर स्टाइल मेहंदी का मेकअप है वो सबका अपना अपना स्टाइल होता है. तो नादिया हुसैन सैलून का क्या सिग्नेचर मेकअप मेहंदी का होता है, किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रही होती है? सो मेहंदी मेकअप में जनरली बहुत लाइट मैं रखती हूँ, प्रिफर करती हूँ और मेरी जो ब्राइड्स आती हैं वो भी बहुत प्रिफर करती हैं लाइट मेकअप. अच्छा, और कलरफुल कपड़े होते तो तुम लाइट मेकअप हो. हाँ. लेकिन आजकल ट्रेंड नहीं हो गया आंखों पे कलरफुल शेड्स लगाने का? नहीं है तो कहती हूँ कि आप नो मेकअप करें क्योंकि देखें मुझे ऐसे लगता है कि आपके मेहंदी के बहुत रंग बिरंगे कलर के कपड़े होते हैं, ज्वेलरी भी आजकल लड़कियां पूरी ज्वेलरी पहनती हैं तकरीबन, ठीक है, फूल वूल लग गए बालों में, तो इतना टू मच गोइंग ऑन हो रहा होता है कि मैं प्रेफर करवाती हूँ कि मेकअप कम रखें. मगर कम से मुराद ये नहीं है कि कुछ लगेगा नहीं. जैसे अभी आपने इस वक्त अपना मेकअप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर जोड़ा, यू मस्ट हैव अप्लाइड एवरीथिंग. हाँ, मेरे डायरेक्टर कहे थे आपने इतनी लाइट लिपस्टिक क्यों लगाई. मैंने कहा अगर मैं देखे आप मुझे भी क्लोज में देखें, अब आप मुझे पूरा देखेंगे तो ये इतना भड़कता हुआ ग्रीन कलर होगा, मैं उसके बाद पिंक लिपस्टिक लगा लूंगी. एज नाजिया सेट के देखें तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होती हैं और आपने फन भी सबसे ज्यादा मेहंदी पे करना होता है, तो ऑब्वियसली यू नो आपको चाहिए होता है कि उस वक्त जो वैसे वो नादिया ने उसको जवाब दिया. नादिया ने कहा वो मेरी दोस्त है और वो जल्दी इसलिए करती है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा होता है, इसमें जान मैंने कहा लड़वाने के लिए तुम करते हैं. हाँ, बदतमीज लड़वा रही हो, हमारी दोस्ती हमारी मोहब्बतें खराब कर रहे हो. तो जी आज यहाँ मेहंदी ब्राइड्स आपको तैयार करती हुई ये लोग नजर आएंगी. मैं तुम लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आजकल क्या ये जो आंखों के ऊपर ब्राइट कलर्स जो हैं बकायदा इन हो गए हैं, ऐसे वैसे बहुत ऑरेंज मेहंदी शॉकिंग पिंक, ये 80s में नहीं करते थे लोग? इट्स जस्ट लाइक दैट 80s में. और दूसरा है कि अच्छा मैंने शुरू से मेहंदी मेकअप जो है ना उसको लोग कहते थे कि लाइट होना चाहिए. एक वक्त आया था आई एम टॉकिंग अबाउट 3 to 4 years back, मैंने हमेशा मेहंदी का मेकअप बहुत ब्लैक.